में आप पूछिएगा कि हाँ मनीष कश्यप को कितना दिन जेल में रहना होगा, तो अभी ताजा अपडेट है कि ईओयू ने बिग बॉस बड़े निर्णय का समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना एक पत्रकार सरकार के लिए अच्छा काम करे तो भक्त कहलाता, और बुरा काम को दिखाए तो चमचा कहलाता, और धर्म और भाषा की बात करे तो सामाजिक चीजों को बिगाड़ने वाला, और अगर सिर्फ सच दिखाए तो मनीष कश्यप की तरह एफआईआर या जेल जाना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के तरफ से बहुत दुख भरी खबर निकल कर सामने आ रही है। मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप के घर तोड़वाने के लिए बुलडोजर भेज दिया गया है। और इस खबर को सुन यूपी के सीएम योगी मनीष कश्यप के घर पहुंचे और इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और सबूत के तौर पे दिखाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उससे पहले अगर आप लोग भी यदि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मनीष कश्यप को हम सब मिलकर न्याय दिला सके। दोस्तों आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जब जेल गए तब रोते हुए गए, तभी सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। मनीष कश्यप के चाहने वाले और विरोध करने वाले को भी आंखों में आंसू आ गए थे। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप को घर तोड़वाने के लिए बुलडोजर भेज दिया गया, और इस खबर को सुन सीएम योगी काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। योगी जी का कहना है कि तेजस्वी यादव की सरकार को हटा देंगे और मनीष कश्यप को 1 घंटा के अंदर रिहा कर देंगे। तो आप लोग कॉमेंट में अपना राय विचार जरूर देगा, मनीष कश्यप जेल से छूट पाएंगे या नहीं।